लाभ नहीं शुभ देखो। उज्जैन के राजा विक्रम एक बार क्षिप्रा नदी के किनारे टहल रहे थे। संयोगवश जैन आचार्य सिद्धसेन दिवाकर भी विहार करते हुए उसी राह से गुजरे। राजा विक्रम ने फौरन उनके चरण स्पर्श किए तो आचार्य ने आशीर्वाद दिए, धर्म लाभोस्तु, अर्थात तुम्हें धर्म का लाभ प्राप्त हो। विक्रमादित्य को आज तक किसी ने ऐसा विलक्षण आशीर्वाद नहीं दिया था, इसलिए राजा ने जिज्ञासा से पूछा, महात्मन, सभी ऋषि मुनि मुझे लक्ष्मीवान, पुत्रवान, समृद्धिवान, दीर्घायु, चिरायु एवं विजयी बनने का आशीष देते हैं, किंतु आपने मुझे धर्म लाभ जैसा अनोखा आशीर्वचन सुनाया। आचार्य ने राजा की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, राजन, लक्ष्मीवान बनने का आशीर्वाद मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि लक्ष्मी तो कंजूसों के पास भी बहुत है। चिरायु या दीर्घायु होने का शुभाशीष इसलिए नहीं दिया क्योंकि लंबी उम्र तो नारकियों को भी प्राप्त है। पुत्रवान होने का आशीर्वचन इसलिए नहीं दिया क्योंकि यह वरदान तो पशु योनि को जन्म से ही मिला है। इसलिए मैंने तो धर्मरूपी अलौकिक आशीर्वाद दिया जिससे उस सुख का लाभ होगा जिसके अंदर दुख नहीं बसता। धर्म से जीवन शुभ का धाम बनता है, वही लाभ आनंददाता है जो शुभ हो। इसलिए जीवन में लाभ को नहीं शुभ को देखना। इंसान ने आज तक कभी लाभ और शुभ को जानने का प्रयास ही नहीं किया, इसलिए वह भूल गया कि लक्ष्मी का निवास वहां होता है जहां धर्म का वास हो। ध्यान दे, लाभ शुभ होना अनिवार्य है। अक्सर लोग अपने मकान और दुकान के द्वार पर शुभ लाभ लिखते हैं, परंतु जीवन भर वे अशुभ लाभ के पीछे भागते हैं। उन्हें घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखने से पहले दिल के द्वार पर शुभ लाभ लिखना चाहिए। लाभ ऐसा हो जिससे किसी का जीवन न उजड़े। सावधान, पैसा आए पर उसके पीछे कोई स्कैम न हो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जो सम्यक ढंग से न्याय पूर्वक प्राप्त हो वह संपदा है, शेष विपदा है। आओ अपनी परतों का रियलिटी चेक करें। जिस लाभ से पूंजी इकट्ठी की है वह लाभ वस्तुतः शुभ है या नहीं? घर को सुसज्जित करने वाला ऐशो आराम के साधन नीति से प्राप्त है या नहीं? आज तक का लाभ जिन द्वारों से गुजरकर आप तक पहुंचा है उसे समय, स्थान, सिस्टम एवं गवर्नमेंट की पॉलिसी के पैमानों से चेक करें। सबको इजी मनी रास आ गया है, किसी को भी आज राइट मनी नहीं चाहिए। स्मरण रहे, दुनिया में अधिकांश इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां नोटों की गंदगी से फैलती है, क्योंकि पता नहीं ये नोट कैसे कैसे लोगों के हाथों में जाते हैं और वहां से कितने कितने रोग लेकर आते हैं। यही कारण है पैसा आते ही व्यक्ति का चाल चलन, बोल चाल, रहन सहन रातों रात बदल जाता है। इसलिए धन की शुद्धि के लिए लाभ पर नहीं अपितु धन की शुभता पर ध्यान देना होगा। याद रहे, शुभ के अभाव में प्राप्त धन लाभ से गुणों का भागाकार होता है और दुर्गुणों का गुणाकार होता है। इसलिए अपने जीवन के गणित को समझने की भूल मत करना। लाभ शुभ का प्रतिफल बने और लाभ का सदुपयोग शुभ में हो तभी अशुभता जीवन से उड़न छू होगी। हालांकि जीवन में शुभ कठिन नहीं है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। इंसान भलाई के अवसर को
अक्सर साध नहीं पाता। अशुभ में लगा मन लाभ प्राप्ति के आकर्षण में इतना नीचे गिर जाता है कि जीवन में शुभ करने का मौका ही नहीं आ पाता। मन का यह क्रम पलट जाए तो शुभ की निरंतरता बनी रहेगी और प्राप्त लाभ सदा चिरंजीवी बना रहेगा। जीवन के द्वार पर आए हुए शुभ अवसर को अपने साथ कनेक्ट करने हेतु एक प्रयोग अवश्य करें। समय, व्यापार, परिस्थिति, परिवार, इन चारों को गौण करते हुए शुभ को प्रथम स्थान पर रखने की आदत डालें।